राधे राधे। तो आज हम लोग जीरो पढ़ेंगे कि गुणा करने पे कितने जीरो आते हैं। जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 … सौ तक ना। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि जीरो कब आता है। जीरो कब आता है? तो 2 × 5, जब 2 का गुणा 5 से कराएंगे तभी तो जीरो आएगा। 2 × 5 = 10, जीरो आ गया ना। अब आप ये कहेंगे कि मैम 4 × 5 में भी तो जीरो होगा और 6 × 5 में भी जीरो होगा। तो होगा तो यहाँ पे देखिए, 4 में भी तो 2 है और 6 में भी तो 2 है। तो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी तो 5 का गुणा 2 से ही तो हो रहा है, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो बस हम इतनी चीज़ें जानते हैं कि 2 और 5 के गुणा में ही जीरो आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 कैसे निकालते हैं। 2 कैसे निकालते हैं और 5, हमें 2 और 5 से मतलब है ना, और 5 कैसे निकालते हैं। 5 कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे देखिए, 2 हम कैसे निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 … कहाँ तक है? 100 तक है ना। तो 100/2 लिखेंगे, 100/2। तो 2 × 1 = 2 × 5 = 10, 50 आ जाएगा। फिर 50 को हम 2 से भाग देंगे, 25 आ जाएगा। 25 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2 × 4, 2 × 5 = 10। पॉइंट में 5 आ जाएगा ना, तो 0.5 हम नहीं लेंगे, केवल हम पॉइंट के इधर वाली ही गिनती लेंगे, 12 लेंगे। तो पॉइंट को हम छोड़ देंगे। फिर 12 देखेंगे, 12/2, तो 2 × 6 = 12, 6 आ गया। फिर 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 1.5 आ जाएगा। तो 0.5 को तो हम लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, कितनी बार 2 2 आएंगी, 50 ये है, 6 × 4 = 10, 50 60 हो जाएगा। 60 × 7 = 97 आएगा ना। तो हम 2 को ऐसे निकालेंगे कि कितनी बार दो आएगा, तो 97 बार 2 आएगा। फिर 5 कैसे निकालेंगे, 5 निकालने का नियम देखते हैं। तो 100 है ना, तो 100 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 × 1 = 5 × 2 = 10, 20 आ गई। फिर 20 को हम 5 से भाग देंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 4 आ गई ना। तो 4 में अब 5 से तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई ना। तो 24 बार 5 होगा तो 0 कितनी बार होगा, 24 बार बार ही 0 ही होगा। तो 24 बार 0 होगा, 0 की संख्या 24 हो जाएगी। फिर जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1, 3, 5, 7 और 99 विषम संख्याओं का लेते हैं। 1, 3, 5, 7 विषम संख्याएं 1 × 3 × 5 × 7 … कहाँ तक, 99 तक देखते हैं। तो यहाँ पे विषम संख्याएं हैं ना, तो यहाँ पे 5 की संख्या तो दिख रही है लेकिन विषम संख्या में 2 तो नहीं दिख रही है ना। तो हम जानते हैं कि जब 2 का गुणा 5 से होता है तभी तो 0 मिलता है ना। तो इसमें विषम संख्या में कहीं पे तो 2 मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे 0 की संख्या कुछ भी नहीं होगी ना। फिर जैसे कि हम सम संख्या का देखते हैं, 2, 4, 6 और 8 … 100 का देखते हैं। 2 × 4 × 6 × 8 … कहाँ तक, 100 तक।
ना? तो यहाँ पे भी हमें 2 × 5 मिलना चाहिए, तभी तो जीरो की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यहाँ पे 2 की संख्या बहुत है, तो हम 2 को नहीं निकालते, हम 5 को निकालते हैं। जिसकी संख्या कम होगी, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उसी की संख्या हम निकालेंगे कि कितनी बार होगा। तो यहाँ पे 2 बहुत है, तो 2 का हम नहीं निकालेंगे, हम 5 को निकालेंगे कि 5 कितनी बार है। तो यहाँ पे 100 है ना, तो 100 यहाँ पे देखिए एक एक संख्या की गैप हुई है ना, 2, 3 नहीं पता है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, तो यहाँ पे हम 50 लेंगे। टोटल 50 संख्या होगी ना, 50/5 हो जाएगी, 5 × 1 = 5, 5 × 50 = 50, 10 आ जाएगी। फिर 10 को हम 5 से भाग देंगे, 5 × 5 = 10, तो 2 आ जाएगी। तो 5 कितनी बार आएगी, 10 × 2 = 12 बार, 12 बार 5 की संख्या होगी, तो 12 बार 5 की संख्या होगी, तो 2 × 5 = 5, 2 × 5 = 5, ऐसे ऐसे हम 12 बार 5 से गुणा कराएंगे तो कितना जीरो आ जाएगा, 12 जीरो भी आएगा। तो यहाँ पे जीरो की संख्या 12 आ जाएगी ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 और .99 = 128 है, 1 × 3 × 5 × 7 · 99 × 128 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे हम जीरो की संख्या देखते हैं कितनी है, तो यहाँ भी हमें 2 और 5 दोनों संख्या मिलनी चाहिए ना। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 इसमें तो 5 की संख्या तो मिलेगी, और 2 की संख्या 1 से लेकर 99 तक तो हमें 2 की संख्या नहीं मिलेगी ना, तो 128 में मिलेगी। तो 128 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 2, 3 × 3 = 6, 1 बार और होगा 2। तो 2 कितनी बार है, 7 बार है ना, 2 की संख्या 7 बार है, तो 2 की संख्या 7 बार है, और यहाँ पे तो 5 मिलेगा ही, 5 की संख्या बहुत है, और 2 7 बार है, तो यहाँ पे 7 जीरो हो जाएगी। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। जब 5 का गुणा 2 से कराएंगे, फिर 5 का गुणा 2 से कराएंगे, फिर 5 का गुणा 2 से कराएंगे, ऐसे कितनी बार कराएंगे, 7 बार कराएंगे, तो 7 जीरो हमें मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 98 और 100 है, 2, 1, 2, 3, 4… कहाँ तक, 1000 तक ना। तो इसमें जीरो की संख्या बतानी है, तो यहाँ पे देखिए 2, 2, 2 बहुत बार है ना, तो 2 को हम नहीं निकालेंगे। अभी यहाँ पे हम 6 लिखेंगे तो उसमें भी तो 2 मिलेगा, 8 लिखेंगे उसमें भी 2 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 बहुत बार है, तो हम क्या निकालेंगे, किसकी संख्या, 5 की संख्या निकालेंगे ना, तो 2 × 5, तो 2 बहुत बार है, तो हम 2 की संख्या नहीं निकालेंगे, हम केवल 5 की संख्या निकालेंगे। तो 5 की संख्या निकालेंगे तो 1000/5 हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 200 आ जाएगा। फिर 200/5, 5 × 20 = 40 आ जाएगा। फिर 40/5, 5 × 5 = 5, 5 × 40, 8 आ जाएगा। फिर 8/5, तो 5 × 5, अब यहाँ पे 1 दशमलव में आएगा ना, तो दशमलव वाली संख्या हम नहीं लेंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे, 20, 8 × 1 = 9 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 की संख्या कितनी बार आ रही है, 249 बार आ रही है, 249 बार 5 की संख्या आ रही है ना। तो 249 बार 5 की संख्या आ रही है, और 2, 2 तो बहुत बार है, 249 बार से ज़्यादा है। तो अगर हम 2 × 5 249 बार कराएंगे तो कितना जीरो आ जाएगा, 200
49 जीरो भी आएगा ना, तो जीरो की संख्या